इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 12:18 तक रहेगी। आज हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। हरतालिका तीज को गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आज रात 11:27 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:31 से शुरू होकर कल दोपहर 12:58 तक सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:31 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायजैद योग की। तो आज ये योग सुबह 5:44 से दोपहर 2:31 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 सितंबर की सूर्योदय से 11:28 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:03 पर शुरू हुआ था और शाम 5:26 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 सितंबर को दोपहर पहले 11:22 से दोपहर 2:41 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:03 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:58 तक रहेगा, और फिर दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 1:27 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:03 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:58 तक रहेगा, और फिर दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 1:27 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:03 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:58 तक रहेगा, और फिर दोपहर पहले 11:17 से शाम 5:22 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा मुहूर्त रात 8:39 से रात 11:45 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:03 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:58 तक रहेगा, और फिर दोपहर पहले 11:17 से शाम 5:22 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 8:53 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष मिथुन तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:52 से दोपहर बाद 3:26 तक।
मुंबई दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:41 तक, चंडीगढ़ दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:28 तक, लखनऊ 1:37 से 3:10 तक, भोपाल दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:23 तक, कोलकाता दोपहर 1:07 से दोपहर 2:40 तक, अहमदाबाद 2:09 से 3:43 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:38 से दोपहर बाद 3:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आज कला के क्षेत्र की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आज आपको व्यापार से लाभ तो होगा लेकिन आपके घर के खर्चों में वृद्धि भी होगी। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आज दूसरों के मामलों में दखल न दें, आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी राय दीजिए। आज आपके बच्चे आपको खुश होने की वजह देंगे, घर की परेशानियों से राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। आज सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे। आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट करेंगे। छात्रों को आज अपनी पढ़ाई में बदलाव करने के लिए टाइम टेबल में चेंजेस करने की जरूरत है। आज आप अपने करियर को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होगी जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन परिवार के साथ बीतेगा। पारिवारिक कार्यों को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका समय बच्चों के साथ बीतेगा, साथ ही उनको कुछ अच्छी सीख भी देंगे। आज कोई मित्र आपसे मिलने आपके घर आएंगे। मित्र से निजी समस्याओं को शेयर करने से मन का बोझ हल्का होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों का ट्रांसफर उनके मनपसंद जगह पर होगा। आज हो सके तो उधार के लेन देन से बचिए। आज आपको व्यापार में धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। ऑफिस में आज कुछ सहकर्मी आपके काम को लेकर आपका सपोर्ट करेंगे, जिससे ऑफिस का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। लवमेट्स को उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए नई योजना बनाएंगे। आज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग करेंगे। दांपत्य संबंध आज मधुरता से भरपूर रहेगा। आज आपकी उलझनें कम होंगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के लिए ईमेल आएगा, इसलिए समय समय पर अपना ईमेल चेक करते रहें। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन यात्रा में बीतेगा। ये यात्रा ऑफिस के काम से जुड़ी होगी। यात्रा के दौरान किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई अच्छा समाचार मिलेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आज ले लीजिए। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आप फिजूल के खर्च को कम करने के प्रयास करेंगे तो आपके भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे होने में आसानी होगी। आज आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत रहेगा। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन होने के योग बने हुए हैं। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। व्यापार में लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज आप किसी दोस्त की मदद करने के लिए उसके घर जाएंगे। ऑफिस में काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे, साथ ही आपकी पदोन्नति भी हो सकती है।
छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों की तारीफ होगी। परिवार के साथ रात को डिनर का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज ज्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ सकता है, बेहतर होगा कि आज किसी भी बात पर गुस्सा करने से बचें। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई में छात्रों के लिए ये समय जी जान लगाकर पढ़ने का है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। मकर राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। ऑनलाइन क्लास से कुछ नया सीखने को मिलेगा। परिवार में एकता का माहौल रहेगा। किसी कार्य को लेकर सब एकमत होंगे। जीवन साथी को कुछ अच्छा सा उपहार देंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। जो लोग ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं, उनको अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाएं घर का कार्य जल्दी समाप्त करके परिवार वालों पर ध्यान देंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का दिन अच्छा है। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आज आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी। महिलाएं शॉपिंग करते समय खुद को थोड़ा काबू में रखें, नहीं तो खर्च बढ़ सकता है। इस राशि के थिएटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपके काम की तारीफ होगी। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। आज अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें। आज आप जितना हो सके दूसरों की राय लेकर ही किसी कार्य की शुरुआत करें तो सफलता मिलनी तय है। ऑफिस में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पीला वस्त्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सम्मान प्राप्त होगा, समाज में आपकी चर्चा होगी। मूलांक 2 कला और साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मूलांक 3 दोस्त के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे, पुरानी यादें ताजा होंगी। मूलांक 4 पैसों के मामले में सावधानी रखें, उधार के लेन देन से बचें। मूलांक 5 इनकम के नए सोर्सेज खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मूलांक 6 परिवार में खुशियों का आगमन होगा, दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर बनेगा। मूलांक 7 किसी काम की आपको जिम्मेदारी मिलेगी। इस काम को करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। मूलांक 8 अगर आप कहीं पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 9 किसी दोस्त से आपको उपहार मिलेगा, उसके प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में सुनहरी मछली रखने के बारे में। कहते हैं मछलियों का होना घर में धन और सुख समृद्धि लेकर आता है। मछलियों की उछल कूद से मन को शांति मिलती है और अपने साथ सारी नकारात्मकता ले जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुनहरी मछली रखनी चाहिए। घर के सौभाग्य को बढ़ाने में सुनहरी मछलियाँ बहुत सहायक होती हैं। सुनहरी मछली यानी गोल्ड फिश को सबसे अधिक पवित्र और संपन्नता देने वाली माना जाता है। सोने के जैसी प्रतीत होने वाली ये मछली आपके जीवन में भी सोने सी चमक बिखेर देती है। आप किसी छोटे से एक्वेरियम में अपने घर के ड्राइंग रूम की पूर्व या उत्तर दिशा में सुनहरी मछली को रख सकते हैं। इसके अलावा एरोवाना मछली को भी बहुत अच्छा व शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इतनी चर्चा घर में मछली रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर के वास्तु को बेहतर बनाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 12:18 तक रहेगी। आज हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। हरतालिका तीज को गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जाना जाता है।
शास्त्रों में निर्णय सिंधु और अहिल्या कामधेनु में इस व्रत का वर्णन मिलता है। आपको बता दूं कि हरतालिका तीज व्रत अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। लिहाजा आज अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए और एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के दौरान सौभाग्यवती महिलाएं लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। माता पार्वती और शिव जी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ ही उनके निमित्त आज कुछ उपाय भी किए जाएं तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को 4 चांद लग सकते हैं। आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:27 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्यों में भगवान की कृपा से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज दोपहर 2:31 से शुरू होकर कल दोपहर 12:58 तक सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। बता दूं कि इस योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। इस योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। लिहाजा इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। आप भी अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आज बेहद ही शुभ इस रवि योग का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही आज देर रात 2:31 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और इसकी राशि कन्या है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्ज्वल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेष करके हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र का संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन हस्त नक्षत्र के दौरान रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही उनका उपयोग करना चाहिए। अभी तो आज हस्त नक्षत्र में आपको रीठा के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज शुक्ल योग, रवि योग और हस्त नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। आज आप शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं। साथ ही अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज आप भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आक के 5 फूल चढ़ाइए। साथ ही अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो आज भगवान को नमस्कार करके उन्हें आग के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। आज भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति यानी जितनी आपकी क्षमता हो उतना अनाज भेंट करें। साथ ही अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी और आपको जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आज आप शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। साथ ही अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो आज शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ भगवान शंकर को तिल और नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही ओम शब्द का उच्चारण करें। आज ऐसा करने से आपका शरीर तंदुरुस्त बना रहेगा। आज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर बने हुए पंचामृत से
भगवान शिव को भोग लगाएं, ताकि अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान शिव को पंचामृत का भोग लगाइए और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफलता जरूर मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाकर अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल भगवान शंकर को चढ़ाइए। साथ ही अगर अपने मनपसंद वर या विवाह बिना किसी अड़चन के सफल बनाना चाहते हैं, मतलब आपको एक तो अपनी चॉइस का दूल्हा चाहिए या वाइफ चाहिए और बिना किसी अड़चन के चाहिए, तो आज शिव मंदिर में अक्षत चढ़ाइए और वहाँ पुजारी से कहिए कि वो उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल निकाल कर आपकी झोली में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका प्रेम विवाह अवश्य सफल होगा। आज एक लोटा पानी में गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। साथ ही अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए आज पानी में गंगा जल के साथ ही केसर भी डालिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का हल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आज के दिन शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाइए। साथ ही अगर आपके साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो आज शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी सारे काम पूरे होंगे। आज के दिन बिल्व के वृक्ष को प्रणाम करें। साथ ही अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज शिव शंभु का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देशी घी चढ़ाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस डील में आ रही परेशानी दूर होगी। आज शिव जी के मंदिर में जाकर बेलपत्रों से बनी माला चढ़ाइए। साथ ही अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो आज शिव मंदिर में बेलपत्रों की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी किस्मत का सितारा हमेशा चमकता रहेगा। आज शिवलिंग पर 11 बेलपत्र पानी से धोकर चढ़ाएं। वहीं अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो आज 11 बेलपत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बेलपत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की सुनिश्चित होगी और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। आज शिवलिंग पर केले का फल चढ़ाइए। वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए आज केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता बढ़ने लगेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज हरतालिका तीज के बारे में, आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, फोन पर किसी रिश्तेदार से खुशखबरी मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। B, अपने कामों के प्रति सतर्क रहें, किसी सौदे के लिए जल्दबाजी में फैसला न लें। C, किसी दोस्त के साथ छोटी मोटी बहस हो सकती है लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। D, कुछ छोटी मोटी घटनाएं आपके सामने आएंगी जिनसे आपका मूड थोड़ा खराब होगा। E, किसी से फालतू बहस न करें, इससे आपका ही टाइम खराब होगा। F, आपकी आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी, साथ ही तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। G, आज का दिन खुशनुमा रहेगा, ऑफिस के लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। H, घर के किसी जरूरी काम के सिलसिले में आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। I, अगर आपके दिमाग में कई दिनों से कोई बात चल रही है तो किसी से शेयर करें, मन हल्का होगा। J, विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। K, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, साथ ही आर्थिक परिस्थितियां फेवरेबल रहेंगी। L, आज पारिवारिक जिम्मेदारियां मिलेंगी और उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। M,
कोई भी फैसला लेते समय परिवार वालों की राय जरूर लीजिए एंड जमीन से जुड़ा कोई मामला सुलझेगा, उसके प्रति आपकी टेंशन खत्म होगी। ओ, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किसी शुभ मुहूर्त पर ही शुरू करें। पी, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, जीवन साथी आपकी बात को अच्छे से समझेंगे। क्यू, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका कोई अधूरा काम पूरा होगा। आर, ऑफिस से मिला प्रोजेक्ट पूरा होगा जिससे बॉस आपसे खुश होंगे। एस, आज का डिनर परिवार के साथ करेंगे, साथी हंसी मजाक से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। टी, कारोबारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। यू, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, आपके बीच मधुरता भी बढ़ेगी। वी, आपके कार्यों में कोई भी परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से आज छुटकारा मिलेगा। डब्ल्यू, अगर आप किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। एक्स, पारिवारिक विवाद आज खत्म होंगे, आप लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। वाई, काफी दिनों से किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आज छुटकारा मिल जाएगा। जेड, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं गोरे दाऊ जी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर मथुरा के वृंदावन में स्थित है। ये मंदिर श्री रसिकदास जी के शिष्य श्री गोविंद दास जी द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में श्री गोरे दाऊ जी के श्री विग्रह विराजमान हैं। मान्यता है कि एक बार जब भगवान कृष्ण गायों को चराते हुए इसी स्थान पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे, तब राधा जी दाऊ जी का वेश धारण कर उनसे मिलने पहुंची, पर भगवान ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद भगवान के कहने पर वो सदा के लिए यहाँ गोरे दाऊ जी के रूप में विराजमान हो गई। लोग दूर दूर से इस पुरातन मंदिर के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे ग्रे कलर की आंख वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की आंखें ग्रे कलर की होती है, ये लोग बहुत ही खुले दिमाग के होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में आजादी पसंद होती है। ये अपने परिवार के लोगों के साथ भी ऐसा ही माहौल बनाकर रखते हैं। इनके अंदर किसी तरह का रहस्य, द्वेष या झूठ नहीं होता। ये जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से भी दिखते हैं। इन्हें अगर किसी से कुछ कहना हो तो ये उस व्यक्ति के सामने ही कह देते हैं। पीठ पीछे बुराई करना इनके स्वभाव में बिल्कुल नहीं होता। ये समय और नई जनरेशन के साथ अपने आप को बदलने में विश्वास रखते हैं। इन्हें घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा ग्रे रंग की आँख वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। तृतीया तिथि आज रात 12:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 9:57 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, अतः आज रात 12:18 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल रात 9:57 तक आपको मूली का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पास दीपक जलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।